हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोजी स्टडी। आज हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें मैंने वो क्वेश्चंस और वो पॉइंट्स तैयार करे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो और मैंने जो अपने सीटेट पैडागॉजी की 15 और 16 वीडियोस कुछ तैयार करी हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा किया गया विभाजन सबसे उपयुक्त माना गया है। ये बात ध्यान रखनी है कि जो विभाजन सबसे उपयुक्त है, यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वो किसका माना जाता है? डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। तो इन्होंने जो विभाजन किया है अवस्थाओं का, वो है सबसे पहली शैशवा अवस्था, जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है। उसमें से हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कथन है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ कथन दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। सबसे पहले है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है, ये बोला है फ्रायड ने। दूसरा है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये कथन है क्रो एंड क्रो का। तीसरा आपका, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक है, ये वॉटसन का कथन है। ये तीनों कथन बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अब शैशवावस्था के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइन फैक्ट्स हैं। सीखने का आदर्श काल भी हमारा शैशवावस्था को ही कहा जाता है, और ये बोला था वैलेंटाइन ने। और विकास की सबसे गति सबसे तेज होती है, ये भी शैशवावस्था में होती है। इसके अलावा शैशवावस्था को संकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। और चौथा है आपका, प्रयास व त्रुटिपूर्ण व्यवहार की अवस्था, ये भी आपकी शैशवावस्था होती है। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, आप पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संकेंद्रित अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो आंसर आपका होगा शैशवावस्था। अब दूसरा है हमारा बाल्यावस्था, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाल्यावस्था में ही से ही बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जीवन का सबसे अनोखा काल, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जीवन का सबसे अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो वो है बाल्यावस्था, और ये कहा गया था कॉल द्वारा। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ बाल्यावस्था के जो वन लाइन फैक्ट्स हैं, बाल्यावस्था के कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला, इसमें व्यवहार में भटकाव देखा जाता है बाल्यावस्था में। निरुद्देश्य घूमने की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। झूठ बोलने की अवस्था कहा जाता है। संस्कारों की अवस्था कहा जाता है। नैतिक विकास इसी अवस्था से प्रारंभ होता है। इसके अलावा गोल्डन एज बाल्यावस्था को कहा जाता है। करके सीखने का आदर्श काल भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। गंदी अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। प्रतिबंधात्मक समीकरण इसी अवस्था को कहा जाता है, और इसमें विकास में स्थिरता देखने को मिलती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस अवस्था को कहा जाता है, और बहुमुखी विकास इसी अवस्था में देखने को मिलता है। ये सारे जो है पॉइंट्स हैं, ये सारे बाल्यावस्था के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल है। अगर क्वेश्चन आता है कि बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल किसे कहा जाता है, तो वो है किशोरावस्था। उसके बाद है, किशोरावस्था में कल्पना की बहुलता होती है। कल्पना की बहुलता किस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है, तो वो आंसर होगा आपका किशोरावस्था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए गुड लक फॉर एग्जाम फ्रेंड्स।